आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर भिनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब, ई का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्दी तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। देखता मोदक भाई कितना लय में गा रहा है। अरे तो ऐसा ही थोड़ी गणेश जी का फेवरेट है। एक बात पूछे मोदक भाई, तुम गणेश जी को इतना पसंद क्यों हो? जब गणेश जी का दांत टूट गया था ना, तब पार्वती मैया हमको बहुत मुलायम करके बनाई थी। हाँ, और गणेश जी बिना तकलीफ के खा लिए थे, तब से ही उनका प्रिय है। हम लोग तो बप्पा के चरणों में रहेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। बुदबुदा कौन चिरा है? नहीं आता है तो नहीं गाना चाहिए, समझा? तुमको आता है, लड़ो मत तुम लोग। ये गलत कर रहे हैं मालिक, यही सब नहीं बढ़िया लगता है। कौन सी गलत कर रहे हैं रे? जब ना तब हमरे में खोज देते हैं, अगरबत्ती स्टैंड काहे नहीं लेके आते हैं? तो गुस्सा काहे कर रहा है, ले आएंगे अगला बार। सॉरी भगवान जी, ये मालिक के चलते नॉल के बॉल निकल जाता है। माफ कीजिएगा भगवान जी। गाइस, मैंने लॉन्ग वीडियो भी पोस्ट किया है, तो आप लोग प्लीज जाकर के देखिए, मजा आएगा। जानू का है? कौनों को नदी में धक्का दे दे तो तुम का करियो? हम ओके जान से मार डालब। इतना प्यार करत हो हमसे? अरे प्यार यार नहीं करत है तो से? हमके नदी में कचरा फेंके वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं।